हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का किड्स मनोरंजन में स्वागत है। आज ऐसा हुआ कि मेरी बेटी ने पानी लेते वक्त आरओ के ऊपर का टैप तोड़ दिया। यह देखकर परेशान तो मैं बहुत हुई और मुझे उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा भी आया, पर क्या कर सकते हैं, बच्ची हैं। अगर आपको भी सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम आए या आपके बच्चे भी कभी आपको ऐसा कर दें, तो इसके लिए मैंने आज एक ट्रिक अपनाई है। आप भी वह ट्रिक अपना सकते हैं और अपने आरओ की टैप को ठीक कर सकते हैं बिना प्लम्बर के, बिना किसी की हेल्प के। मैंने जिस तरह से इसको ठीक किया है आपके सामने मैं उसको दिखाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे करना। देखिए, ये ढक्कन है जो मेरी बेटी ने तोड़ दिया था। मैंने क्या किया कि इसके अंदर दो होल कर दिए हैं, आपको होल दिख रहे हैं। और अभी उन होल्स के अंदर देखिए, ध्यान से देखिए, दो होल्स कर दिए हैं। एक गरम थोड़ी सी राड लेके उसको थोड़ा सा गरम करके उसमें दो छेद कर दिए हैं दोनों साइड में, सेम बराबर में। आप भी ऐसा करें और दोनों साइड से करें और थोड़ा सावधानी से करें। और छेद में देखिए आर पार दिखाई दे रहा है, दोनों बराबर में हैं। अब इन छेदों को, इस टैप को, हम इस ढक्कन को इस टैप के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, आप दिख रहे हैं कि मेरी बेटी ने तोड़ दिया। गुस्सा तो बहुत आया पर क्या कर सकते हैं, बच्ची है। अब देखिए, इस टैप को मैं इसमें फिट करूंगी और एक तार ले लूंगी, कोई भी तार। आप चाहे तो अपने घर में कोई भी तार ले सकते हैं, कैसा भी तार। ये देखिए, मेरे पास ये कील थी, इन्हीं के खिलौनों में से निकली हुई थी ये कील। इसको मैंने इसी से छेद किया था और इसी से मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। देखिए, डाल के देखिए, दोनों निकल रहे हैं, जा रहा है आराम से, आ जा रहा है दोनों छेदों में से, आर पार में। आप भी ऐसे एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं तो लगाते वक्त प्रॉब्लम होगी। आराम से आ जा रहा है। अब क्या करूँगी मैं, इस ढक्कन को इस टैप के ऊपर फिट कर लूँगी। तो चलिए, इस टैप को इस ढक्कन के ऊपर फिट कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से फिट कीजिएगा। हाँ, ये देखिए, अब ये इस पर अच्छे से फिट हो रहा है। इसको फिट करने के बाद ही हम उसमें, थोड़ा प्रॉब्लम होगा पर आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए किस तरह से वो डाल रहा है। उस तरफ से जाकर इसको देखकर इसको टैप में इसमें इसको फिट कर दीजिए। ये देखिए, हाँ, अभी फिट हो गया है। और अब क्या करेंगे, जो वो तार था जिससे मैंने इसके अंदर छेद किया था, इस छेद में इस तार को आराम से डाल देंगे। देखिए, आप ध्यान से देखिए, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आप भी डाल सकते हैं इसमें डालने की। देखिए, और इसको इसमें मैंने डाल दिया स्लोली स्लोली करके, इसमें मैंने इस छेद को आर पार डाल दिया। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको भी हो सकता है, बट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये छेद को, छेद के अंदर मैंने इस तार को इसमें डाल दिया, डाल रही हूँ अभी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाँ, ये देखिए डल गया इसमें। अब ये इसमें डल गया है और अब ये हमारा टैप है वो बिल्कुल से ठीक हो चुका है। अब इसमें देखिए पानी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ रहा है जा रहा है। अब आप इसको अच्छे से बंद कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ऐसे नहीं है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा दिखेगा तार, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा टैप बिना पैसे के एकदम से ठीक हो गया है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप ऐसा करिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।